हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो हमारा कॉलर चढ़ाने का हाल है इसको कहते हैं, ये अगर आपका छोटा हो या ये बड़ा कट जाए तो इसको कम या ज़्यादा कैसे करें ये मैं सिखाने वाला हूँ। और आप देखेंगे मैंने पहले से ही निशान लगा रखे हैं कि अगर आपका आर्मोल जो है बड़ा हो जाता है तो कैसे इसे ठीक करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है। और यहाँ पे गले को नाप के कॉलर का हाला कैसे कटिंग करें इसके ऊपर दूसरी वीडियो बन चुकी है। तो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप इसको देख लेंगे। बहुत ही प्यारी टिप है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाला अगर आपको बड़ा करना है, ठीक है, तो आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका ये बड़ा कट जाए तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये चीज सिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स के बारे में। तो हमारे पास जो जो पेपर कटिंग्स है बताना चाहूंगा, कमीज, पैंट, प्लाजो, ब्लाउज, हर तरीके के दोस्तों आपको पैटर्न मिल जाएंगे। आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ, ये देखिए नंबर है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो ये नंबर है 8860206392। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और लिखना हमें पैटर्न चाहिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये पैटर्न इसलिए आते हैं दोस्तों कि मान लीजिए किसी को कटिंग करनी नहीं आती तो इन पैटर्न की मदद से बहुत आराम से वो अपनी कमीज को कटिंग कर सकता है। जैसे ये कमीज का पैटर्न है तो ये देखिए फ्रंट पल्ला, ये बैक पल्ला और ये बाजू, और ये कटिंग जो है दोस्तों ये है 32 साइज की। तो इसी तरीके से हमारे पास 32 से 50 साइज तक की कमीज की, ब्लाउज के, पैंट के, प्लाजो के, हर तरीके के पैटर्न मिल जाएंगे। जो नंबर दिया उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। अब जैसे दोस्तों ये हाला है आपका, ठीक है, मैंने ये सिर्फ रफली ऐसे कटिंग कर दिया है जिससे कि आपको समझा पाऊं। मेन होता हमारा कॉलर यहाँ पे चढ़ना, ठीक है, इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं। ये हिस्सा जो होता है इसमें हमारा वैन चढ़ता है। देखिए ये चीज, ये जो कॉलर है, चाहे ये कॉलर हो चाहे हाफ वैन हो, इसी तरीके से दोस्तों आपका कटिंग होगा तो ये चढ़ता है। अब मेन बात आती है दोस्तों कि ये हिस्सा आपका अगर किसी वजह से छोटा पड़ जाए तो आप कैसे इसको बढ़ा सकते हो। तो इसके मैं दो तरीके दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो आपका ये हिस्सा जो है देखिए दोस्तों फ्रंट में है, ठीक है, ये कट हमारा फ्रंट में है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आपको इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे डबल में कर लेना है, ठीक है, और याद रखना दोस्तों डबल में ही होता है। मैं इसे आपको पहले नाप के भी दिखा देता हूँ, हम डबल में इसको नापेंगे। तो इसको जब हम इस तरीके से नापेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आ रहा है 8.25, यानी कि 16.5 हमारा यहाँ पे टोटल ये आला कटा हुआ है। तो इसमें आप 16 इंच का कॉलर काटेंगे क्योंकि एक पैर हल्का में लूज चाहिए होता है, हल्का सा कॉलर को खींच के चढ़ाते हैं, कई लोग फिक्स भी चढ़ाते हैं, तो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों आपको ये बढ़ाना है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक इसका यूज करूंगा मार्कर का। तो ये वाली जो साइड है ना दोस्तों, आपको ये हिस्सा इस तरीके से कटिंग करना है। अगर आपको अगर 1/2 इंच के आसपास बढ़ाना है तो ये हिस्से को इस तरीके से दोस्तों कटिंग कर देना है डबल में मिलाकर। तो डबल में मिलाओगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका इस तरीके से दोस्तों कटिंग हो जाएगा। मैं आपको ये कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है, और ये मिलाते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे आपका हाला बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। अब इसको हम नाप के देख लेते हैं कि कितना हाला बढ़ा हमारा, क्योंकि छोटी छोटी टिप होती है जो आपके बहुत काम आती है। दोस्तों आप देखिए ये हमारा जो 8.5 हो गया, एक पैर बढ़ चुका। अब यही चीज हमें थोड़ा और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे। अब ये दो दोस्तों बैक साइड में है। अब बैक साइड में हमें इस हिस्से को एक पैर इस तरीके से कटिंग कर देना है और यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। तो हमारा ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मैं इंची टेप से नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा 1.25 हो गया, देखिए इंची टेप रख के 1.25 हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए ये भी हमारे को कम लगता है तो हम क्या करेंगे। तो ये देखिए बैक पल्ले को आपको ऐसे रखना है बढ़िया तरीके से, पूरे हाले को ध्यान से देखना। और अब जो है ना ज्यादा भी नहीं छाटते, बस इसको इस तरीके से छाटते हुए इसकी कंधी के पास से भी आपको, मान लो गला ब्रॉड, थोड़ा ब्रॉड भी करना है तो कंधी के पास से ऐसे लेते हुए इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और अब कर देंगे दोस्तों इसको कटिंग। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमने कटिंग कर दिया। तो चलिए दोस्तों इसको हम नाप लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे आएगा। ये 16.5 था, ठीक है, उसके बाद 9.25 हो गया था, अब ये देखिए दोस्तों 9.25 हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम इसको हाले को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा और लगे तो आप इसको आगे तरफ से और कटिंग कर सकते हो। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप हाले को बढ़ा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा हाला यहाँ और छाड़ देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका हाला बढ़ जाए तो आप इसे छोटा कैसे करेंगे। तो ये देखिए मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ और दोस्तों एक हिसाब तक छोटा होगा, ये नहीं कि ज़्यादा ही छोटा हो, उससे दिक्कत आ जाती है। इंची टेप से दोस्तों नापते हम डबल में करके, तो यहाँ पे कितना हाला आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपका 9.25, यानी कि 18.5 इंच का हाला आ रहा है, जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब हम इसको
इस तरीके से गले को नापते हैं। तो मैंने जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना, उसको देखना, इसमें डिटेल पूरी बताई है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हाला हमारा किस हिसाब से रखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका हाला ये बढ़ गया, ये आपका हाला आ रहा है 18.5, लेकिन जो आप वैन इसमें चढ़ाने वाले हो, वैन आपको चढ़ानी दोस्तों 16.5 के आसपास, तो इस हिस्से को कम कैसे करेंगे? तो चलिए ये ट्रिक के लिए हम चलते हैं मशीन पे और आपको ये सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे हाला ये बढ़ गया, तो इसका एक ही तरीका है कम करने का, ठीक है? या तो आप इसमें बैठा हुआ कॉलर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको नॉर्मल कॉलर चाहिए, ठीक है, जिसे चाइनीज कॉलर भी कहते हैं। तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आपको इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगानी है, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ी सिलाई लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें ना इसको नम करना है, तो हम यहाँ पीछे ये वाला इस उंगली को यहाँ रखेंगे और इस तरीके दोस्तों उंगली रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस पर, ठीक है? तो ये हल्का सा नम होगा, ज़्यादा इससे नम नहीं करना। अगर ज़्यादा नम करोगे तो दोस्तों झोल दिखेगी, लेकिन हाला इससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच कम हो जाता है। अगर 18.5 है तो आप इसमें 1.5 इंच कम कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा करीब 17 इंच के आसपास। तो आप 16.5 का इसमें आराम से बना सकते हो। फिर भी हम सिलाई लगा के देखते हैं कि आखिर ये कितना कम हो जाएगा। तो पूरे में हमें सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से, ये देखें ऐसे। अभी हमने इसको कटिंग कर लिया, यहाँ पे इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हाला है जो राउंड में हमारा कॉलर चढ़ना है, तो हल्का हल्का ये नम है, ठीक है? खींचेगा तो वही आएगा, इसे ज़्यादा खींचना नहीं, ये नम हो चुका है जितना होना है, देख सकते हो पूरे में सिलाई आ रही है। अब इसको हमें ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ने के बाद दोस्तों इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। देखिए, देखना ध्यान से दोस्तों, हमने अभी नापा था 7 इंच। अब इसको नाप के देखते हैं आखिर कितना कम हुआ है, हुआ भी या नहीं हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसे ऐसे करके नापते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों हमारा, ये यहाँ पे दोस्तों हमारा आ रहा है 9.25, ठीक है? वही जो मैंने आपको बोला था 1.5 इंच तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 17 इंच का वैन काट के इसे कटिंग करके चढ़ा दोगे तो ये जो भी झोल वगैरह है ना, ये नजर नहीं आएगी और थोड़ा हाला इस वजह से भी बढ़ जाता है दोस्तों। ये हिस्सा थोड़ा ओरेव होता है, जब ये आपका हल्का सा ऐसे खिंचता है ना, तो ये हिस्सा आपका बढ़ भी जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे मैं इधर का देखिए हिस्सा खींच देता हूँ, ये हिस्सा, अब ये देखिए इधर मिला के आपको दिखाता हूँ, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन अब देखिए मैं इसे खींच दिया मैंने थोड़ा, तो ये देखिए 1/2 इंच का कम से कम जो हमने खींचा था वो बढ़ गया। देखिए यहाँ से एक बराबर है, नीचे वाला हिस्सा देखो आपका 1/2 इंच बढ़ गया, ये देखो यहाँ से देख सकते हो आप सिलाई है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी बारीकी होती हैं कि अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपसे अगर मान लो कभी कोई ऑल्टरेशन हो भी जाए तो आप इसकी मदद से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। अगर आप इसी तरीके की टिप की वीडियो चाहते हैं या आपकी सिलाई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो आप ठीक नहीं कर सकते, तो हमें कमेंट्स करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर पेपर पैटर्न्स खरीदने हो, तो दोस्तों आपको जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पे, या आप अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।